दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। नरेंद्र कुमार की ओर से, लिविंग हैप्पी की ओर से, माँ दुर्गा आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ये त्योहार आप धूमधाम से मनाएं। इस दुर्गा पूजा आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए, दुनिया उजालों से रोशन हो जाए, घर पर माँ दुर्गा का आगमन हो। आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म मित्रों, हर त्योहार के पीछे कोई न कोई सामाजिक कारण होता है और इसी तरह से इस नवरात्रि, विजयादशमी, दुर्गा पूजा के मनाने के पीछे भी कई सामाजिक कारण हैं। दुर्गा पूजा अनीति, अत्याचार और बुरी शक्तियों और इसके अलावे कई अलग नकारात्मक शक्तियों के नाश के प्रतीक स्वरूप मनाया जाता है। हम आज इन सारी कुरीतियों को, नकारात्मक तत्वों को नाश करते हैं, नाश करने का संकल्प लेते हैं। दुर्गा पूजा अनीति, अत्याचार एवं तामसिक प्रवृत्तियों के नाश के प्रतीक के स्वरूप मनाया जाता है। आज हम नवरात्रि की ही श्रृंखला में, आठवीं कड़ी में हम पहुंच चुके हैं और आज हम देखने जा रहे हैं माँ दुर्गा जी की आठवीं शक्ति महागौरी की कथा। मित्रों, यह आठवीं शक्ति का नाम है महागौरी। दुर्गा पूजा के आठवें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। नवरात्रि में आठवें दिन महागौरी शक्ति की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा, इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण का है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंदस के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरा भी कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहा जाता है इनको। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा पड़ी ही शांत है। ऐसी मान्यता है मित्रों कि पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी, इसी कारण से इनका शरीर काला पड़ गया। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए यह महागौरी कहलाई। यह अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमुष धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना बड़ा ही कल्याणकारी माना जाता है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। मान्यता ऐसा भी है कि एक भूखा सिंह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती हैं। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, लेकिन वह देवी की तपस्या से उठने का प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठ गया। इस प्रतीक्षा में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आ गई। उन्होंने दया भाव और प्रसन्नता से उसे भी अपना वाहन बना लिया, क्योंकि वह उनकी तपस्या पूरी करने के प्रतीक्षा में स्वयं भी तप कर बैठा। कहते हैं कि जो स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती हैं। माँ गौरी, महागौरी का मंत्र है ओम देवी महागौरी नमः। माँ महागौरी भगवान शिव जी की अर्धांगिनी पत्नी है। इनकी उपासना से भक्तों को अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माता का यह स्वरूप
कोमल करुणा से परिपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि माँ को चुनरी भेंट करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मित्रों, मेरी भगवान से यही कामना है, आप सबों का भी, हम सबों के भी इस कोरोना के खंड से, जिस किसी भी प्रकार के कष्ट से हम गुजर रहे हो, माँ महागौरी हम सबों पर अपनी भक्ति दिखाएं, इन सारी कष्टों को दूर करें और हमें सौभाग्यवान बनाएं। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए सप्रेम धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।